नमस्कार साथियों, राजस्थान शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उससे संबंधित आज का वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, महत्वपूर्ण जो विभागीय योजना है उन विभागीय योजनाओं के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो योजना है ये है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो देखिए, इस योजना में राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना चालू की गई। और इस योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इसके लिए पात्र होगी। और योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिला के माता पिता अभिभावक को कुल राशि 50,000, तो साथियों यहाँ पे 50,000 अधिकतम का भुगतान अलग अलग चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रथम वर्षगांठ पर क्रमशः 2,500 रुपये और 2,500 रुपये दो बार जन्म के समय और वर्षगांठ पर यानी कि एक वर्ष की होने पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, इसके बाद 6 से 10 में यानी कि छठी में 5,000 और कक्षा 10 पास होने पर 11,000 रुपये दी जाएगी। और राजकीय विद्यालय में 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की जो राशि है उसका भुगतान यानी कि कुल मिलाकर 50,000 की जो राशि है इस योजना के अंतर्गत हैं। ये जो है इसमें गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कब ये योजना शुरू की गई और कब से इसका लाभ मिलेगा। साथियों, यहाँ पे अगली योजना है वो है पालनहार योजना। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है। अनाथ बालक बालिकाओं के लालन पालन की व्यवस्था निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति की करने के उद्देश्य से इस योजना का शुरू की गई है। और इन बालकों को, इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पालनहार बनाया जाकर योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। और बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वह विधवा माता पिता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो, अथवा कुष्ठ रोग पीड़ित एड्स पीड़ित माता पिता की संतानों इस योजना के लिए पात्र हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो विधवा महिला है उसके जो बच्चे हैं वो इसके लिए पात्र हैं, साथ ही साथ एड्स पीड़िता महिला इसके लिए पात्र हैं, कुष्ठ रोग वो भी इसके लिए पात्र हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण पात्रता है पालनहार योजना। देखिए, इसमें पालनहार योजना में बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक होनी चाहिए। पालनहार परिवार देखभाल करने वाले की जो वार्षिक आय है 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चों को 2 वर्ष की उम्र में आंगनवाड़ी केंद्र पर, 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा और 5 वर्ष की आयु में बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह, स्कूल में प्रवेश के पश्चात 675 रुपये प्रति माह व वस्त्र और स्वेटर जूते आदि हेतु 2,000 रुपये की वार्षिक सहायता दे हैं। ये सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग जो है उनकी तरफ से। तो साथियों, ये भी जो महत्वपूर्ण है विभागीय योजना के अंतर्गत ही आती है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाएगी राशि। अगली जो है योजना वो है बेटी की शिक्षा और सबकी शिक्षा। देखिए, निःशुल्क एजुकेशनल से रिलेटेड है ये। राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्रों को निःशुल्क शिक्षण कराया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्ग की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 12 के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। तो यानी कि ये जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, जो कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं। अगला है साथी इसमें आपकी बेटी योजना, ये भी महत्वपूर्ण योजना है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक बीपीएल परिवार, साथियों यहाँ पे बीपीएल परिवार की समस्त वर्गों की छात्राओं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो को 1,100 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दे हैं।
साथ ही इसी योजना में 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं को 1500 रुपये की राशि वार्षिक सहायता दे हैं और ये भी शिक्षा विभाग की योजना है। आपकी बेटी योजना यानी कि BPL परिवार की होनी चाहिए इसमें और माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो तो 1100 रुपये तो वार्षिक आर्थिक सहायता दे हैं और 9 से 12 तक अध्ययनरत जो छात्राओं के लिए है यहाँ पे 1500 रुपये की वार्षिक सहायता दे हैं। तो ये आपकी बेटी योजना है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट यानी कि SC ST पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात की गई है। ये राजकीय और निजी विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्रा जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हो को मासिक छात्रवृत्ति दे हैं। ऐसे छात्र को 75 रुपये यानी कि मासिक की बात की गई यहाँ पे एवं छात्रा को 125 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी है। 9 से 10 में पढ़ रहे छात्र छात्रा जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो को डे स्कॉलर छात्र छात्राओं को 150 रुपये प्रतिमाह व एक मुश्त 750 रुपये प्रतिवर्ष एवं हॉस्टलर छात्र छात्राओं को 350 रुपये प्रतिमाह एवं एक मुश्त 1000 जो रुपये हैं प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की राशि दे हैं। ये संबंधित शिक्षा विभाग की तरफ से है। तो यानी कि यहाँ पे छात्र को 75 रुपये प्रतिमाह और छात्रा को 125 रुपये प्रतिमाह और 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता की अगर वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें डे स्कॉलर के लिए यहाँ पे 150 रुपये प्रतिमाह है और एक मुश्त 750 रुपये दे हैं यानी कि प्रतिवर्ष। जबकि अगर हॉस्टलर हैं या हॉस्टल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे छात्राओं को 350 रुपये प्रतिमाह या एक वर्ष में 1000 रुपये छात्रवृत्ति दे हैं। नेक्स्ट जो है वो हैं सफाई की व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे राजकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले ऐसे छात्र छात्राओं जिनके माता पिता और संरक्षक सफाई कार्य में जुड़े हुए हैं को 110 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 10 वर्ष तक यानी कि 1100 रुपये या एक मुश्त अगर दी जाती है तो 750 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 6 से 10 तक में प्रवेश हेतु अधिकतम 500 रुपये और शिक्षण शुल्क हेतु 350 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक राशि जो भी कम हो दे हैं। रख रखाव भत्ता जिसमें कक्षा 1 से 10 में छात्रवासी को 600 रुपये दे हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात की गई है इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे OBC स्कॉलरशिप जो पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप है 6 से 8 के लिए इस योजना के अंतर्गत OBC के छात्र छात्राओं के लिए जिनके माता पिता की वार्षिक आय 44,500 यहाँ पे जो है लगभग 1.5 लाख होनी चाहिए यानी कि वार्षिक आय अगर इससे अधिक नहीं हो को 40 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप दे हैं और विशेष पिछड़ा वर्ग के 6 से 8 तक के राजकीय और गवर्नमेंट विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं जिनके माता पिता इनकम टैक्स यानी कि आयकर दाता नहीं है उनको 100 रुपये और 9 से 10 की छात्राओं को 120 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दे हैं। तो यहाँ पे प्रतिमाह की बात की गई है। इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए माता पिता 9 से 10 की छात्राओं के लिए यहाँ पे 120 रुपये पर मंथ की बात की गई है जबकि 6 से 8 के लिए 40 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप की बात की गई है और उनके माता पिता भी इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि क्लास 11-12 के लिए यहाँ पे बात की गई है। इसमें अध्ययनरत स्टूडेंट्स जो भी हैं छात्र छात्रा उनके माता पिता की जो या संरक्षक या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और OBC वर्ग की दशा में 1 लाख रुपये से अधिक न हो यानी कि OBC वर्ग होने पर 1 लाख से अधिक अगर वार्षिक आय है तो उसके उस पर ये छात्रवृत्ति दे नहीं है। मासिक छात्रवृत्ति ये दे हैं और योजना अंतर्गत
अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी और विशेष पिछड़ी जाति के विद्यार्थी को के लिए 230 रुपये प्रति माह या और ओबीसी के लिए 160 रुपये प्रति माह ये 10 महीने के लिए दी जाती हैं। इस प्रकार योजना के तहत राजकीय और मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत एससी एसटी और के छात्र छात्रा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो को 230 रुपये से लेके 550 रुपये तक का जो अनुरक्षण भत्ता दे हैं और ओबीसी एसबीसी के छात्र छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो उनको 160 रुपये यहाँ पे प्रतिमाह जो दे हैं रुपये से 350 रुपये अनुरक्षण भत्ता भी यहाँ पे दे हैं। योजना में दे शिक्षण शुल्क के पुनर्भरण के साथ एससी एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवासी होने पर यानी कि अगर वो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो 380 से लेकर 1200 रुपये और जो गैर छात्रवासी जो हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं उनके छात्र छात्राओं को 230 रुपये से लेके 550 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता प्रति माह जबकि ओबीसी एसबीसी के छात्रवासी छात्र छात्राओं को 260 से लेकर 750 जबकि ओबीसी के गैर छात्रावासी जो छात्रावास में अध्ययनरत नहीं है उन छात्र छात्राओं को 160 से लेकर 350 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता दे हैं और ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा दे हैं यानी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा। अगली जो योजना है साथियों यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें ब्रिज क्रॉस के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए हैं जो 11 से 14 वर्ष की आयु की वर्ग की हैं। ड्रॉप आउट या अनामांकित बालिकाओं, मेला डोने वाले परिवारों की बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं, विधवाओं की पुत्रियां और अनाथ और शारीरिक शोषण के शिकार इत्यादि वर्ग के छात्राओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय हैं KGBV में कक्षा 6 से 8 तक मेरिट में जो 75% के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक बीपीएल वर्ग की महिला बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है यानी कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक और बीपीएल वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा मेरिट के आधार पर। समस्त जिलों में चयनित ब्लॉकों में प्रत्येक विद्यालय में 100 सीटें हैं और सामान्यतः 75% सीटों पर एससी एसटी बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है। इसके तहत ड्रॉप आउट, मेला डोने वाले परिवारों की बालिकाओं, विधवा की पुत्री और अनाथ उपेक्षित इनको शोषित छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ पे 25% सीटों में यानी कि 75% में जो हैं एससी एसटी के लिए जबकि जो 25% जो सीटें हैं उसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग की जो बीपीएल बालिकाओं के लिए ये सीटें आरक्षित हैं। इन विद्यालयों में बालिकाओं का जो शिक्षण पाठ्य पुस्तकें आवास भोजन सभी निःशुल्क हैं यानी कि राज्य की जो कस्तूरबा गांधी आवासीय जो बालिका छात्रावास है वहाँ पे अध्ययन के लिए। साथ ही यहाँ पे शारदे बालिका छात्रावास की बात की गई है। अगली जो योजना है ये भी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से जो 8वीं उत्तीर्ण करने वाली जो बालिकाएं हैं अगर 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई जारी रखने हैं तो निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था इन छात्राओं के माध्यम से की जाती है। तो शारदे बालिका जो हैं 9 से 12 तक के लिए हैं और इस प्रकार के छात्रावास में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवार की बालिकाओं पर 1500 रुपये प्रति बालिका और प्रति माह की दर से भोजन पर व्यय किया जाता है या किया जा रहा है। ये जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना है शारदे बालिका छात्रावास 9 से लेकर 12 तक के लिए हैं और इसमें 1500 रुपये प्रति बालिका प्रति माह की दर से भोजन पर व्यय होता है। साथियों बालिका आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय राज्य में वर्तमान में यहाँ पे जर्मन द्वारा ये जो वृहद आर्थिक सहयोग से
और 9 जो हैं राज्य सरकार द्वारा बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 12 तक एससी एसटी और ओबीसी बालिकाओं को निःशुल्क भोजन और आवास और एजुकेशनल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये जो योजना है सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग द्वारा संचालित हैं। साथियों, अगली जो योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, तो देखिए मेधावी बेटियों के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक जिले की 2 बेटियां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में पहला और दूसरा स्थान या न्यूनतम 75%, कम से कम ये क्रिटेरिया हैं, प्राप्त किया है, उनका चयन मेधावी छात्रा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जिले की मेरिट के आधार पर हैं। इन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए 11वीं व 12वीं में स्टेशनरी यूनिफॉर्म के लिए 15,000 रुपये वार्षिक एक मुफ्त राशि, कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत जो हैं अगर 11वीं 12वीं पढ़ रही हैं तो छात्रावास कोचिंग निःशुल्क शिक्षण शुल्क, खेलकूद प्रशिक्षण आदि हेतु 1,00,000 रुपये तक का वास्तविक व्यय और 12 के पश्चात यानी कि 12वीं पास होने के पश्चात स्नातकोत्तर तक यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक अध्ययन के लिए 2,00,000 रुपये तक के वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा। ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इसमें 75% न्यूनतम है 10th बोर्ड में और टॉप जिले के अंदर टॉप 2 स्थान वाली बालिकाओं के लिए योजना है। साथियों, ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है बालिकाओं के लिए। जो बालिकाएं दूर दराज से ग्रामीण एरिया से पढ़ने आती हैं उनके लिए ये किराए की योजना है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत अपने निवास से 5 किलोमीटर से कम दूरी वाले राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाती हैं। और 5 किलोमीटर से अधिक दूर पर पढ़ने वाली यानी कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हैं तो 9 से 12 की जो छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में 20 रुपये पर डे बस किराया दे हैं। ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण योजना है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है। 20 रुपये पर डे दिए जाते हैं इसमें यदि बालिकाओं की घर की दूरी स्कूल से 5 किलोमीटर से अधिक है और अगर 5 किलोमीटर से कम है तो उनको साइकिल दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना। राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 8वीं उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय के 11वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये की जो राशि है, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये की राशि की एफडीआर दिया जाने का प्रावधान है। ये भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात की गई है, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जो 8वीं उत्तीर्ण हो जाती है और गवर्नमेंट स्कूल में फिर 10वीं पास हो जाती है और 11वीं में प्रवेश लेने पर उनको यानी कि ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की योजना है। 11वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये और अगर 12वीं पास होने के बाद ग्रेजुएशन करती है तो उसको 4,000 रुपये की एफडी दी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण योजना है। अगला है साथियों, ये कॉलेज एजुकेशनल डिपार्टमेंट की योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। राजस्थान के ओबीसी वर्ग की नियमित छात्राओं हेतु 12वीं की परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं स्कूटी वितरण योजना में संचालित हैं तथा द्वितीय और तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं हेतु 10,000 रुपये एवं स्नातकोत्तर छात्राओं हेतु 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे हैं। जिन्होंने द्वितीय तृतीय वर्ष यानी कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की पूर्व परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, आवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ये भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हैं। अगला है जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण योजना। तो साथियों, यहाँ पे ऐसी जनजाति छात्राएं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जिनके माता पिता इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12वीं में 65% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों
उन्हें निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं में 65% होने चाहिए और यहाँ पे जनजाति की जो छात्राएँ होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण योजना है, 12वीं में पुनः 65% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में 20,000 रुपये और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये की नगद राशि स्वरूप दी जाएगी। ये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजना है। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण जो हमने जो शिक्षा विभाग की जो योजना है उसको लाने का, शिक्षा विभाग की जो योजना है उसको जो लाने का या उससे संबंधित जो जानकारी देने का प्रयास किया, शायद ये इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो आपके लिए लेके आऊँ इसके लिए इसको शेयर करें। थैंक यू।